नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खेमनानी सीएलसी सीकर से। जी हाँ दोस्तों, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बांसको में आया और बांसको के ग्रामीण क्षेत्र में मैं मिला सुरेश जी से। सुरेश जी अपना एक निजी स्कूल चलाते हैं, दसवीं तक इनका स्कूल है दोस्तों। और सुरेश जी को सीएलसी पर इतना विश्वास है, जब मैं उनसे मिला जब उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे यहाँ 10th पास आउट के बच्चे जिनको उन्होंने सीएलसी सीकर में छोड़ा, जिसमें एक बच्चा राहुल जोधपुर एम से एमबीबीएस कर रहा है, एक बच्चा योगेश जो एसएमए जयपुर से एमबीबीएस कर रहा है। दोस्तों ये होता है विश्वास। देखो पेरेंट्स के साथ आप निजी स्कूल के संस्थापक, उनको भी सीएलसी में विश्वास क्यों है? मैं सुरेश जी आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस विश्वास के साथ बच्चों को सीकर छोड़ते हैं उस विश्वास में सीएलसी खड़ी होती है। आपका खुद का एक निजी स्कूल है, दसवीं तक का स्कूल है, आप सीएलसी के बारे में बताइए, सीएलसी में इतना विश्वास क्यों हुआ? सर सबसे पहले मैं सुरेश शर्मा, रामलखन पब्लिक स्कूल से, जो बांसको में 2015 में संचालित की मैंने। मैंने 93 बच्चों से विद्यालय को स्टार्ट किया। विद्यालय शुरू करने के बाद 2018 में मेरा पहला बैच, जिसमें से राहुल और योगेश को मैंने खुद जाकर स्वयं जाकर के अपने माता पिता के साथ सीएलसी सीकर में प्रवेश दिलाया। जिस प्रवेश के बाद वो 12 के साथ साथ राहुल और योगेश ने सीएलसी इतनी मेहनत करती है जितनी मेहनत प्रॉपर मेरे को लगता नहीं कि और कोचिंग क्लासेस करती हूँ। श्रवण जी चौधरी जी हैं, जो श्रवण जी शाम को बच्चों के साथ असेंबली करते हैं और जो हनुमान चालीसा बुलवाते हैं, उस हनुमान चालीसे से प्रतीत होता है कि बच्चों का संकट वो हनुमान चालीसा ही और हनुमान जी महाराज हर लेते हैं। सीएलसी सीकर में जो मेहनत होती है अटूट होती है। उसके बाद मैं 2 बच्चे शुरू में दिए, उसके बाद मैंने 6 बच्चे दिए। प्रत्येक सेशन में मैं सीएलसी सीकर में प्रवेश दिलवाता हूँ और मैं खुद जाकर के, मेरा सीएलसी सीकर पर इतना विश्वास है कि पहले सत्र में ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 12 के साथ साथ हुआ और ऑल इंडिया में जो रैंक प्राप्त किए, उसके बाद तो मेरे को अटूट विश्वास श्रवण जी चौधरी और सीएलसी पर होने लगा है। तो मैं तो जो भी पेरेंट्स होता है, जो भी मेरे मिलने वाले होते हैं, मैंने यहीं अपने स्कूल से ही नहीं, जितने मेरे दोस्त हैं, एक अपने दोसा साइड के हैं जो डॉक्टर साहब हैं, उनके बच्चे भी सीएलसी सीकर में ही मैंने कह करके और वहां प्रवेश दिलवाया। बिल्कुल सुरेश जी, आपकी बहुत बहुत अच्छी लगी। आप दसवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हो, सीएलसी उन बच्चों को निखारती है और उन बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करती है। आपका यही विश्वास सीएलसी में बना रहे और इसी विश्वास पर हम आपका जो विश्वास डॉक्टर बनने का हम पूरा करते रहेंगे। लास्ट ईयर गत वर्ष भी ये सुरेश जी की क्लास जो दसवीं बोर्ड का रिजल्ट है आप देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है। और ये जो बच्चे हैं इसमें से 8 बच्चे इन्होंने सीएलसी सीकर में दाखिला कराया। सुरेश जी, जो पिछली बार आपने जो 8 बच्चे दाखिले कराए ना, इन 8 बच्चों का विश्वास भी हम आपका जीतेंगे और उसी विश्वास के साथ इनको हम डॉक्टर बनाएंगे। बिल्कुल सर, सीएलसी पे हमें अटूट विश्वास है और विश्वास से जिसका जिसके साथ रहता है वो विश्वास लगभग खरा उतरता है और खरे उतरने की कोशिश भी करते हैं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, सीएलसी पे हमें विश्वास है, विश्वास रहेगा और विश्वास सीएलसी के जो श्रवण जी हैं वो विश्वास को खरा उतारने के लिए संपूर्ण तरीके से मैं उनका वीडियो देखता रहता हूँ, लाइक करता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। वो रात को भी बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से कि हम जो बच्चे भेजते हैं उनको वो निखार करके और हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को इतना कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और उनको डॉक्टर बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से कि हम जो बच्चे भेज रहे हैं उनको इसी प्रकार निखारते रहें, हम ये उनसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी, और सीएलसी जीना भी सिखाती है और सीएलसी जीतना भी सिखाती है। और राहुल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसी तरह का विश्वास आप सीएलसी बनाए रखें और जो भी आपके ग्रामीण परिवेश है या दसवीं पास करके जो स्टूडेंट है उनका आप सीएलसी में आप एडमिशन कराएंगे, उनके सपनों को सीएलसी पूरा करेगी और ये विश्वास बनाए रखेगी। जय सीएलसी।